सो ये व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज हम फिर से खेलने वाले हैं द सेम गेम नेम RC24। और गाइज ये वाला मैच जो है वो होने वाला है सिल्वर फोर के बंदे के साथ। और गाइज DTC का ये मैच है, यहाँ पे टॉस का टाइम है, अपोनेंट कर रहा है टॉस, यानी कि टॉस अपोनेंट ही कॉल करेगा। और यहाँ पे देखते हैं टॉस जीतता, बिल्कुल अपोनेंट ने टॉस जीतकर सबसे पहले करने की कोशिश करी है बल्लेबाजी, यानी कि इसकी भाई सोच मेरे के अकॉर्डिंग ये होगी कि मेलबर्न में अगर 60 से 65 रन बन जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। हालांकि गाइस यहां पे क्या ही बोला जाए, अपडेट के बाद कुछ अलग सीन बन चुके हैं, तो भाई कोई भी रन है वो सेफ नहीं बचा अभी फिलहाल। यहां पे देख सकते हैं पहली गेंद ही बीट कर गया अपोनेंट, कैरम गेंद हम फिर से करने वाले हैं। और यहां पे राधा कृष्णन की जो बॉलिंग है ना भाई, कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा पिकअप शॉट खेला है। अगर मुंबई रहती तो भाई यहाँ पर छक्का मिलता, लेकिन मेलबर्न भाई जो है वो काफ़ी लंबी ग्राउंड है, जिस वजह से यहाँ पे अपोनेंट को चौका ही मिला। हालांकि गाइज अब तक 3 गेंदे हुई है, 4 रन दिया है, तो कहीं ना कहीं अच्छी इस बार 101 खेलने की कोशिश। गुड लेंथ की बॉल को अच्छा शॉट कनेक्ट करने की कोशिश में टाइमिंग को मिस कर बैठे, गेसिंग करके तब अब इनको खेलना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से हम कैरम गेंद करने वाले हैं, गुड लेंथ से हल्की सी लाइन को हमने आगे रखी है, ताकि अपोनेंट यहाँ पर बिल्कुल इस तरह के शॉट खेलने के लिए आपको पोजीशन करना पड़ेगा। इस बार विलियम्स आए हैं, और विलियम्स से भाई उम्मीद ये है कि राधा कृष्णन ने 4 रन दी है, तो कहीं ना कहीं विलियम्स के पास वो फ्रीडम है कि वो खुल के गेंदबाजी कर सकते हैं। पहली गेंद हम ऑफ स्पिन इसीलिए करी थी, और देख सकते हो अपोनेंट का पूरा पोजीशन खराब हो चुका था और यहाँ पे बीट हो गया। इस बार हमने सोचा कि चलो एक दूसरा गेंद करते हैं, क्या पता अपोनेंट थोड़ा सा परेशान और हो जाए। बिल्कुल वही हुआ यहाँ पे, अपोनेंट भाई इसको गेस नहीं कर पाया और आखिरकार हमें मिल गया विकेट। तो कहीं ना कहीं भाई अपडेट के बाद बहुत तगड़े तगड़े बंदे भी बहुत परेशान दिख रहे हैं भाई। जो जो बंदे भाई 200 मतलब कि 150 रन, 150 तो नहीं लेकिन फिर भी 120-110 जो मारते थे, उनकी भी भाई पूरे तरीके से हालत ख़राब है। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये हो चुका है ना कि इतने बॉक्स हो चुके हैं गेम में कि किसी का भी भाई नेचुरल गेम बाहर आ ही नहीं रहा है। तो ये सब सीन पता नहीं कब तक चलेगा, क्या होगा आगे देखते हैं। पावर प्ले में गाइस हमने बस 10 रन दी थी, और अपोनेंट यहाँ पे अपना चौथा विकेट लूज करता हुआ, आई बटलर ने वाइड यॉर्कर डाली और अपोनेंट फंस गया। इस पर हमने सोचा कि चलो एक शॉर्ट लेंथ पे डालते हैं इन स्विंग गेंद फुल पेस में, हालांकि ये बाउंसर काउंट नहीं होगी। अपोनेंट ने अच्छा शॉट खेला है, पीछे है फील्डर, जब तक गेंद थ्रो करेंगे अपोनेंट रिस्क नहीं लेगा, यहाँ पर सिंगल ही लेगा, क्योंकि भाई 4 विकेट जा चुके हैं कहीं ना कहीं। इस तरह से देखा जाए तो गाइस ये हो चुका है ना फुटबॉल का मैच। यहाँ पर इस बार देखते हैं, इस बार गलत शॉट, गलत गोल शॉट खेलने की कोशिश, पूरे तरीके से बीट हो चुके हैं। इस बार फिर से हम इन स्विंग गेंद करने वाले हैं, ताकि अपोनेंट यहाँ पे इस बार क्या अपर कट खेल रहा है, और बिल्कुल नहीं, जब वहाँ पे फील्डर हो तो आप और अपर कट की ट्राई ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। इस बार हमने क्या क्रिस जॉर्डन को, और जॉर्डन के पास लोअर वंस है इसलिए ज़्यादा मेरे मैच में है, मतलब इनको रखना थोड़ा बहुत मेरे को सही लग रहा है। हालाँकि मेरे पास ना तो गाइस अभी मेरे को डाउशन चाहिए और स्विप्शन चाहिए, और क्या बोलते हैं एक और कोई अच्छा गेंदबाज जो कि मीडियम फास्ट या फास्ट मीडियम मिल जाता, जिसके पास वेरिएशन एटलीस्ट स्लोअर वन होता, क्योंकि भाई मेरे पास कोई भी गेंदबाज अभी फिलहाल में है ही नहीं। 3 गेंदबाज अगर मतलब देखा जाए ना, तो भाई ऑफिशियली मैं 3 गेंदबाज को अच्छे से मतलब अपने टीम में रखा हूँ, एक आई बटलर हो गए, राधा कृष्णन हो गए, विलियम्स हो गया, उसके बाद भाई क्रिस जॉर्डन और करण शर्मा को मैं भाई वो पार्ट टाइमर के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं भाई इनको बॉलिंग में लाता नहीं फिलहाल, मेरे पास कुछ अच्छे विकल्प हैं नहीं। हैंगरकर बेशक हैं, लेकिन भाई उनको तस्किन और हैंगरकर को मैं कुछ दिन भाई आराम देने की कोशिश करिए, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही पिट रहे थे। यहाँ पे वाइड यॉर्कर करिए हमने, और अपोनेंट पूरे तरीके से बीट हो चुका है। इस बार हम करने वाले हैं आखिरी बॉल होने वाली है, क्या बोलते हैं पावर प्ले, मतलब कि गाइस चौथा ओवर का आखिरी बॉल होने वाली है, पावर प्ले तो बीत चुका है। आखिरी गेंद शॉट 493 है क्या, ये 493 है क्या गाइस, यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे मिल चुका है अपोनेंट को सिंगल। करण शर्मा आए हैं आखिरी ओवर लेकर के, 18 रन हमने दिया है 24 बॉल्स में, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी गेंदबाजी, अपोनेंट पूरे तरीके से परेशान हो चुका था। और जैसे कि ये गलत शॉट कम रन का प्रेशर यही अक्सर करता है गाइज। बहुत अच्छी यहाँ पे बॉलिंग, करण शर्मा की बॉलिंग जो है ना वो थोड़ी सी नीचे रहती है, बहुत हद तक नीचे रहती है, और अगर अपोनेंट गेस नहीं कर पाया तो भाई कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग कर देते हैं। इस बार यहाँ पे 156 गोल्ड शॉट तो बहुत सारे अपोनेंट के पास पड़ी है, लेकिन गोल्ड शॉट होने से गाइज कोई बंदा अच्छा नहीं होता। फिलहाल यहाँ पे विलियम्स जा चुके हैं पवेलियन, अगला बॉल लेके आने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे करण शर्मा, चौथी गेंद होने वाली है इनकी,
20 रन अब तक बने हैं। और इस बार क्या बात है, गोल्ड शॉट खेल रहा है अपोनेंट। जब तक गेंद थ्रो होगी ये लगेगी डायरेक्ट हिट, और शायद यहाँ पे कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट हिट का, कोई भी बेनिफिट नहीं है। इस बार गाइज हमने सोचा था कि चलो यार कैसे ना कैसे करके हम एक दो विकेट और निकाल दें, क्योंकि दो गेंदें ही बची थी और कोई दिक्कत नहीं था, हम मतलब ज़्यादा रन बने नहीं थे तो अपने ऊपर प्रेशर भी नहीं था। और यहाँ पे हम ओवर थ्रो करने वाले हैं बिल्कुल, और ओवर थ्रो का भाई आखिरी ओवर में अपोनेंट रन बनाने की कोशिश करता है, और इसी बीच आप इस मतलब स्ट्रैटजी का इस्तेमाल करके कई बार अपोनेंट का विकेट ले सकते हैं। कुछ भाई लोग बोलेंगे कि ये तुक्का था, तो गाइस चलो दिखाते हैं फिर से तुक्का था। तो यहाँ पे देखते हैं, इस बार हम दूसरा गेंद करने वाले हैं। इस बार जो बॉल होने वाली है आखिरी ओवर की आखिरी बॉल थी, अपोनेंट 156 खेला, जब तक गेंद थ्रो होगी हमने फिर से करी थी वहाँ पे ओवर थ्रो। और देखो ओवर थ्रो मैं इसलिए कर रहा था ना कि अपोनेंट लास्ट ओवर में इसका बस एक ही माइंड सेट होगा कि ये रन ले, चाहे वो कैसे भी रन आए। और इसी बीच मैंने आखिरी के दो बॉलों पे दो विकेट निकाल के अपोनेंट के 9 विकेट्स गिरा दी थी। और कहीं ना कहीं गाइस ये स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत हद तक कम मानी जाएगी, क्योंकि इस सम्मानजनक भी स्कोर नहीं कही जाएगी 26 रन। और गाइस मेरी मजबूरी ये है कि कुछ अच्छे बंदे मिल ही नहीं रहे हैं मुझे भाई, बहुत ट्राई के बाद भी अच्छे बंदे नहीं मिल रहे थे, ना तो DTC में, ना तो भाई रैंक तो मैं खेलता ही नहीं हूँ, DTC में भाई कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था, और प्रो सीरीज में खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मेन ID में 3 ही प्रो प्लेयर्स हैं। तो गाइस यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे यहीं खेलना पड़ रहा था। और इस बार देखते हैं भाई, अब आ गई अपने ट्रेडमार्क शॉट, परफेक्ट टाइमिंग हो गई थी, लेकिन चौका ही मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई ज़्यादा रन है नहीं तो हम आराम से खेल सकते हैं बिल्कुल। स्लॉट में जाओगे तो भाई प्लॉट करनी पड़ेगी, यहाँ पे मिल गई भाई चौका एक और, बहुत बढ़िया, अच्छी भाई बल्लेबाजी तो हो चुकी है बिल्कुल। एक और भाई, इस बार ट्रेडमार्क शॉट की अलग लेवल चल रही है, और यहाँ पे एक और चौका अपोनेंट को भाई पूरे तरीके से, अपोनेंट की जो बॉलिंग थी ना गाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थी लिटरली गाइज, अगर ये 50 रन भी बना देता तो लड़ने की लायक हो जाता। हालांकि हमने भाई बढ़िया बॉलिंग को बढ़िया कुटाई भी करी है, यहाँ पे चौका मिल गया एक और। इस बार 21 रन, इस बार फिर से खेलने की कोशिश, बॉल में बहुत पेस थी और इसी की वजह से यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं बना। इस बार देखते हैं, इस बार 431 गैप में नहीं गई गेंद, वरना यहाँ पे मैच हो सकता था ख़त्म। लेकिन अभी भी गाइज हमें आखिरी ओवर में 2 रन बनाना पड़ेगा, यानी कि पावर प्ले के बाद वाले ओवर। इस बार शोडी आए भाई, कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी लाइनअप है भाई इसकी, 5-5 स्पिनर का इस्तेमाल करने वाला था अपोनेंट, लेकिन हमने मैच की पूरी जो स्थिति थी कंडीशन थी सब बदल दिया, आराम से खेल के यहाँ पे सिंगल निकाला और यहाँ पे मैच हो चुका है पूरे तरीके से टाई। और हम अब जीतने के लिए बस सिंगल चाहिए, और पीछे हट के हमने एक कमाल का स्ट्रोक शॉट खेला और 2 रन पूरा करके इस मैच को आसानी से 2.2 ओवर में अपोनेंट सिल्वर 4 को हरा दिया है। वीडियो कैसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। और फ्री टूर्नामेंट खेलना चाहते हो गाइस तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आसानी से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो।